अगर तुम्हारी मुलाकात ऐसी लड़की से होती है जिसे तुम पसंद करते हो, तब तो तुम्हारा मन होगा ही कि तुम उसके साथ कुछ और टाइम स्पेंड करो। उससे मिलने और उससे बेहतर तरीके से जानने का आसान तरीका ये है कि उसका व्हाट्सएप नंबर हासिल कर लिया जाए। ऐसे हालात में डर सबको लगता है लड़की से उसका फ़ोन नंबर मांगने में, पर टेंशन ना लो। अगर तुम लड़की का व्हाट्सएप नंबर चाहते हो तो तुम्हें बस ये आसान काम करना होगा। सबसे पहला है रिलैक्स रहो। लड़की से नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए तुम्हें बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होगी, चाहे तुम जानते हो कि लड़की से मिलते ही उसका व्हाट्सएप नंबर लेना है। अगर तुम रिलैक्स नहीं रहोगे तो तुम कभी ये नहीं कर पाओगे। अगर तुम परेशान होंगे तो इसका पता उसे दूर से ही लग जाएगा, और अगर तुम परेशान होंगे तो वो भी परेशान होगी, या शायद वो डर कर भाग ही जाए। अगर तुम डरे हुए या शर्मिले हो तो परेशानी तो होगी, मगर लड़की सोचेगी इसको हो क्या रहा है। चाहे तुम्हें मामूली हड़बड़ाहट ही क्यों ना हो, उसे लग सकता है कि लड़के में कुछ गड़बड़ है। सबसे बुरा क्या हो सकता है ये सोचकर खुद को शांत करो। सबसे बुरा जो हो सकता है वो है कि लड़की से नंबर मांगोगे और लड़की ना कह देगी। इसके बाद भी तुम जी सकते हो ना, तो टेंशन मत लो। लड़की से मिलो। तुम जब शांत हो जाओ तो समझो यही सही मौका है लड़की से मिलने का। लड़की से मिलने जाने से पहले खाना खा लेना। खाली पेट किसी का दिमाग काम नहीं करता। बस अब लड़की से नजर मिलाओ और सीधा उससे बात करो। याद रखना, फर्स्ट इम्प्रेशन ही सब कुछ होता है। पहला इम्प्रेशन बहुत बढ़िया पड़ना चाहिए। फर्स्ट इम्प्रेशन में ही खुद को दिखाओ कि आप कितने अच्छे इंसान हो, आप अपनी लाइफ से कितना खुश हो। अगर उसे लगता है कि तुम एक खुश मिजाज इंसान हो तो वो आपको पसंद करेगी और आपसे बात भी करेगी, और उसे अच्छा भी लगेगा। तुम अच्छे और फनी टॉपिक पर बात कर सकते हो। ऐसे बात करो जिससे उसके चेहरे पे स्माइल आ सके। दूसरा है, अपने कॉन्वर्सेशन लेवल को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाओ। जब तुम एक दूसरे का नाम जान जाओ, क्या करते हो, हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, और फैमिली के बारे में जानने के बाद अपने बातचीत को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। उसे अब इंटरव्यू लेने जैसे सवाल मत करो। अभी उसके लाइफ के बारे में पूछो, अपने लाइफ के बारे में कुछ बताओ, वो क्या चाहती है ये जानने की कोशिश करो। तीसरा है, खुद को बॉयफ्रेंड मटेरियल साबित करो। ज़्यादातर लड़के ऐसे सिचुएशन में फ्रेंड जोन में फंस जाते हैं या लड़की का भाई बन जाते हैं। तुम्हें यहाँ नहीं फंसना है, तुम्हें बड़ी समझदारी से यह पार करना है। लड़की की हर बात मानकर चिपकू मत बनो। शिकारी की तरह उसे ना कहना भी सीखो। लड़की की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन हर काम के लिए लड़की के पीछे घूमना ये सही नहीं है। खुद के काम पे ध्यान दो। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो या कोई सही टॉपिक ना मिले, तब तक लड़की से बात मत करो। हमेशा अपने रिस्पॉन्स और इग्नोर लेवल को कम ज़्यादा करते रहो। कन्वर्सेशन लेवल जब हाई लेवल पर हो तब उससे नंबर मांग लो। चीज़ों को लटकने मत दो, नहीं तो तुम हार जाओगे। तुम्हें लड़की का नंबर तब मांगना चाहिए जब वो सबसे ज़्यादा खुश हो। ज़्यादातर लड़के इस मौके को गवा देते हैं। सोचते हैं लड़की इतनी अच्छी बातचीत कर रही है, कहीं ये बुरा ना मान जाए। तुम्हें बिल्कुल तभी नंबर मांगना चाहिए। उससे कहो अब मुझे चलना होगा, वैसे तुम बढ़िया बात करती हो, तुम्हारा नंबर दो, इसके बारे में मुझे पूरा बताना। सीधा नंबर मांग लो। अगर लड़की को लगे कि तुम ज़्यादा परेशान नहीं करोगे या तुम बहुत बढ़िया बात करते हो, बहुत अच्छे इंसान हो, तो लड़की तुम्हें खुद अपना नंबर दे देगी। लड़की का नंबर मिलते ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। नंबर लो, ओके या थैंक्स बोल सकते हो।